हेलो एवरीवन, आज हम कुरेंट विनसोनिक वर्जन 2 के इंस्टॉलेशन करेंगे जो हमारी कंपनी हिंदुस्तान थर्मोस्टैटिक अंबाला कैंट में मैन्युफैक्चर की जाती है। तो सबसे पहले हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने के लिए एक्सेसरी बॉक्स में 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का अडैप्टर दिया गया होता है। मशीन की बैक साइड में 12 वोल्ट डीसी इन का सॉकेट है, इसमें हमें अडैप्टर को कनेक्ट करना है और ऑन के बटन को ऑन कर देना है। ये हमारी मशीन ऑन हो गई है। मशीन ऑन होने के बाद हमें स्टीयरर को सेट करना है। तो स्टीयरर को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें खाली बीकर में पानी लेना है, स्टीयरर पे लगा देना है और ये स्टीयरर के स्टार्ट बटन पे प्रेस कर देना है। ये हमारा स्टीयरर स्टार्ट हो गया बट फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए पीछे दो बटन दिए गए हैं, एक फ्रीक्वेंसी का एक टाइमिंग का। इनको घुमाना है, जहां पे भी आवाज आएगी साउंड आएगी वहां पे हमें रोक देना है। ये फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी है। टाइमिंग को हमने रखना होता है 3 पे, तो हमने टाइमिंग को 3 पे कर दिया। ये हमारा स्टीयर सेट हो गया। अब हम इसमें मिल्क को टेस्ट करेंगे। तो मिल्क को टेस्ट करने से पहले सबसे पहले वाइब्रेट करना है। मिल्क वाइब्रेट हो गया है। अब इसे हमें एनालाइजर में लगाना है। एंटर के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, 3 चैनल आ जाएंगे, काउ, बुफेलो, मिक्स। अब हमें जिस भी चैनल पे मिल्क को चेक करना है, हमें काउ पे ही करना है, तो हम एंटर कर देंगे। ये मिल्क के पैरामीटर्स आ चुके हैं। एफ से फैट, डी से डेंसिटी, एल से लैक्टोज, एस से एसएनएफ, पी से प्रोटीन, डब्ल्यू से वाटर। और डाउन का बटन दबाएंगे, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्ट और सीएलआर।